वेलकम टू स्टडी ग्लो माय नेम इज मैनील तुर्की एंड आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो uh, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्लस करेंट अफेयर की न्यूज़ के साथ जुड़ा हूँ बेसिकली uh, ये न्यूज़ भी आर्ट एंड कल्चर से है यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और uh, जो कैंडिडेट्स 2023 और 2024 के लिए जा रहे हैं दिस इंटायर वीडियो इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आई होप दैट यू विल

अब सवाल यह है कि क्यों ये न्यूज में है और अगर आपने पढ़ा होगा मैं क्योंकि बेसिकली जो कंटेंट आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा वो कौन सी चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रही है और हमें कौन सी चीज पे फोकस करना चाहिए अगर आप देखेंगे तो द दे हिंदू के न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ेंगे या फिर आपका पी आई पे भी जो आप लोगों को मिला होगा तो यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा होगा कि वर्ड यूज किया गया है कि रिसेंटली यानी कि रिसेंटली हम लोगों को एक्सक्यूजेड नाइनटीन सेंचुरी स्टोलन पेंटिंग ऑफ महाराजा सरफोजी सेकंड उसको ट्रेस कर लिया गया है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के म्यूजियम में मिला लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या सर यह हमें कुछ दिन पहले पता चला कि हमारे यहाँ से एक पेंटिंग को चोरी किया गया और किसी और म्यूजियम में उसको रखा गया है आ, किसने चोरी किया कैसे चोरी हो गया इतनी बड़ी आ, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कोई लेके जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है अब सवाल जो है वो बहुत सारी चीजों पे खड़े होते हैं बेसिकली ये स्टोरी बहुत पीछे की ओर चली जाती है हम लोगों के लिए वो स्टोरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा क्योंकि यूपीएससी में हम लोग कोई स्टोरी नहीं पढ़ते हैं हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज फिर भी आप लोगों का सवाल होगा कि सर हमारे यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग ली जाती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई बट बेसिकली ये केस आज का नहीं है ये केस बहुत पुराना है और इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे और उनको ट्रेस भी कर लिया गया है फिर उनसे उन्होंने इस इस पूरी पेंटिंग को बेचा है इंडिया से चोरी की गई और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पूरा पैनल भी बिठाया था वो बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग टाइप हो जाएगा लेकिन हमारे लिए क्योंकि यूपीएससी हमसे जो चीज़ें पूछ पूछेगा वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग वहां हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पेंटिंग की बात करेंगे ये अगर आप देखेंगे, तो आप आपका भी मन ये कर कि इस में ऐसा क्या है, जो को खरीदने की जरूरत पड़ी और हिस्टोरियन का मानना है बेसिकली हम लोग जब क्योंकि ये भी आप, आपका एक सोर्स बन जाता है ये पेंटिंग जिसमें आपको राजा सरफोजी एंड हिज यूथफुल सन माना ऐसा जाता है कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस क्योंकि मैं जब वर्ड यूज करता हूं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉबली पेंट की गई है एटीन ट्वेंटी टू इन एटीन सेवन ट्वेंटी सेवन को uh, के बीच के बीच इस डेट uh, मतलब वेरी करेगा और ये फिर uh, सरस्वती महल के अंदर रखा गया और नाइनटीन हंड्रेड एंड एटीन सरस्वती महल uh, लाइब्रेरी जो है वो ओपन की गई uh, पब्लिक के लिए और सब लोगों मतलब अभी भी अगर आप जाते हैं तो सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है नियर अबाउट कुछ चार हज़ार से ज्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा और बड़ा ही खूबसूरत है बहुत सारे लोग विजिट करते हैं और इसमें हम लोगों को तमिल कन्नड अलग अलग तेलुगु इस टाइप की लिटरेचर वहाँ पे पढ़ने को मिलती है तो हम ये कह सकते हैं भारत का एक ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे अगर हमें पास्ट एंशंट हिस्ट्री या बाकी की किताबों की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाती है अब यहाँ से इसका ताल्लुक है मतलब इससे ये रिलेटेड है और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पेंटिंग है मिड नाइनटीन सेंचुरी या पेंटिंग ऑफ महाराजा सरफोजी अब इतनी पुरानी है तो बेसिकली नाइनटीन सेंचुरी की मैं मिड की बात कर रहा हूँ और इसको तंजूर पेंटिंग भी कहते हैं या तंजूर पेंटिंग भी कहा जाता है uh, सरस्वती महल से ये घूम हो जाती है और फिर जाके पता चलता है कि ये हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट के म्यूजियम में मिली इन uh, 2006 2006 की ये बात है मैं तभी कह रहा हूँ ये बात बहुत पुरानी है uh, ये बेसिकली बात है 2006 की आप uh, थोड़ा सा देखिएगा ये पीछे की ओर चला जाएगा और ट्रेस किया गया कि ये आइडल विंग पुलिस जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उस समय हम लोगों को अभी जो है इंफॉर्मेशन भी दी सरफोजी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ये किंग जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग है ये लास्ट बोसले अगर हम मराठा रूल के हिसाब से देखें तो हम लोग शायद आप लोग जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता है कि हमें मराठा की कॉन्फिट्रेसी पढ़नी पड़ती है उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे भोंसले हो गए गायकवाड़ हो गए हॉलकर हो गए पेशवा हो गए तो ये जो हैं ये लास्ट भोंसले राजा थे थंजेवर और इनकी मृत्यु जो है एटीन को हो जाती है और इनकी हिज ओनली सन वो शिवाजी इनका एक पुत्र था शिवाजी और uh, उन्होंने 1855 uh, तक रूल किया Uh, क्योंकि उनका कोई मेल सक्सेसर नहीं था तो मेल सक्सेसर हम जानते हैं कि उस समय जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे चलता था तो अगर उनका कोई मेल सक्सेसर नहीं है तो डेफिनेटली आप डॉक्ट्रीन ऑफ फ्लैप्स में आ जाएंगे यानी कि उस समय के लॉर्ड डेलाउजी ने एक बड़ा क्लियर बनाया था कि अगर आपका मेल हायर नहीं है तो आप एडोप्ट नहीं कर सकते सो so, ये एक बड़ी कैजुअलिटी एक बड़ा खतरनाक uh, तरीके से इस पार्ट uh, को जो है ब्रिटिश लोगों ने अपने अंडर में कर लिया अब पेंटिंग की बात करते हैं बिकॉज हम लोग वहाँ नहीं जाते हमारे आर्ट एंड कल्चर से जो है इम्पोर्टेंट है तो पॉइंट वाइज आप लीजिएगा क्योंकि जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि प्री का क्वेश्चन बन सकता है या मे बी क्योंकि मराठा से हम लोगों को मेंस के क्वेश्चन भी बनते पहली चीज़ जरा देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताई कि सरफोजी जो है वो लास्ट बॉन्सरे रूलर थे तंजोर कह लें या तंजवर कह लें ये डायनेस्टी भी है और 1832 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके एक ही सन थे शिवाजी जो 1850 तक रूल करते हैं और क्योंकि उनका कोई मेल सक्सेसर नहीं होता है तो उस समय रूल था ब्रिटिश के अंडर की अगर आपका कोई मेल सक्सेसर नहीं है या आपका आपको याद होगा हम लग जब ब्रिटिश रूल पढ़ते हैं तो इंडिया की टेरिटरी को कैप्चर करने के बहुत अलग अलग तरीके थे उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आ जाता है दैट वॉज ऑल्सो द मेन रीजन बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फंडामेंटल uh, रीजन उसके बाद हमारे पास एक और है दैट इज ए सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी हुआ करती थी तो लॉर्ड एल ने एक नया रूल निकाला था कि अगर आपका मेल हायर कोई नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको आपकी जो टेरिटरी है वो हमारी हो जाएगी और बात खत्म हो जाती है उसके ऊपर क्योंकि एडॉप्टेड सन को तो मानते भी नहीं थे अब ये जो तंजवर जो टेरिटरी एरिया जो बनता है बिकम ए कैजुअलिटी ऑफ लॉर्ड एलॉजी अब ये कह सकते हैं कि उसके इन फेमस डॉक्टरिन ऑफ लैब्स की वजह से ये ऑब्जर्व कर दी गई यानी ब्रिटिश रूल के अंडर आ गई जो कि बहुत ही स्ट्रॉग थे क्योंकि कॉन्फिटरेसी के अंदर भी थे मराठा बहुत पावरफुल भी थे अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि हमारे लिए मैंने तभी कहा था कि आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ वॉट हैपन टू द मराठाज बिकॉज वो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस uh, में भी कर सकते हैं बट यहाँ हमारे लिए ये है कि जो ये पेंटिंग है ये राजा सरफोजी की पेंटिंग है और उनके यूथफुल सन की पेंटिंग है बहुत खूबसूरत पेंटिंग है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन आप वो डाल सकते हैं प्रॉबर्ली पेंट किया गया है ये माना जाता है कि 1822 के अंदर इसकी पेंटिंग होती है 1827 और इसको सरस्वती महल के अंदर रखा जाता है जो सरस्वती महल बाद में एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट भी हो जाता है और 1918 के अंदर सरस्वती महल लाइब्रेरी ओपन टू द पब्लिक कि आप आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पढ़ाई की चीजें हैं तो ये खोल दिया गया तो मानिए आप ये समझ लीजिए कि ये एक एरिया ऐसा बन गया कि एजुकेशनल हब एरिया है कि आप जाएंगे और वहां पे जो भी आपको चीज चाहिए आपको सो हम लोगों ने इसको बहुत ही एक इस तरीके से रखा है ताकि जो हमारी जनरेशन है वो हमारी हिस्ट्री को समझ पाए इस तरीके से अचानक से एक ऐसी न्यूज आती है जो बहुत ही दुखद न्यूज है और दुखद इसलिए भी है क्योंकि यहां से कोई चीज चूरी हो जाए अब नाइनटीन सेंचुरी की ये पेंटिंग जो है माना ऐसा जाता है जो कि हिस्ट्री के बियॉन्ड पीछे मैं बता रहा हूं कि एक बंदे ने यहां से चुरा ली और पीई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन टू थाउजेंड और उन्होंने किसी बंदे एक सुबास करके एक बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दू पी एस सी कोई uh, सुभाष कपूर को है उन्होंने इसको यू एस डॉलर के हिसाब से पैंतीस हजार के डॉलर में बेच डाली और उन्होंने खरीद भी ली उसके बाद ये काफ़ी सारी इसके ऊपर चर्चा होता है ये होता है उन अरेस्ट भी दो हज़ार ग्यारह को उनको अरेस्ट भी किया गया और uh, उन्होंने ये पैसा खर्च भी कर लिया है दो हज़ार ग्यारह को ये अरेस्ट भी होते हैं एयरपोर्ट पे इनको पकड़ा जाता है इनके साथ कोई और भी होता है और ये आ, उस समय पूरी तरीके से मान लेते हैं कि ये पेंटिंग मैंने यहाँ से निकाली फिर इसको मैंने अमेरिका के अंदर भेज दिया यूएस में भेज दिया और आ, ये क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस तरीके की चीज़ों के लिए या ये ट्रैफिकिंग स्टोलन एंटीक्यूज के अंदर आता है यानी कि हमारी कोई ऐसी चीज़ जो भारत से बाहर ली गई हो और चोरी से बेची गई हो तो हमारी ये कोशिश थी कि एटलीस्ट ये वापस लाया जाए आ, बहुत सारी कोशिश की गई लेकिन अनटिल अभी तक हम लोगों को ये वापस नहीं मिला तो अभी ये है कि क्या ये पेंटिंग इंडिया को वापस मिलेगी और सरप्राइजिंग रिंग हमें ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले इस पेंटिंग को फिर से दिखाया गया Uh, सब लोगों का मानना है कि ये पेंटिंग अगर इंडिया से बिलोंग करती है तो डेफिनेटली उनको मिल जानी चाहिए और इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये जो आइडल विंग है रजिस्टर्ड अ कंप्लेन मिसिंग इंडियन uh, वुड यहां पे यह हमारे लिए प्रीका इंपॉर्टेंट है, है मिसिंग इंडियन वुड लाइन प्लास्टर विद अ वाटर बेस्ड पैन एंड गोल्ड लीव ग्लास जो कि आप डायमेंशन के हिसाब से इतनी है पेंटिंग इन मई टू बात बहुत पुरानी है मैं तभी कह रहा हूँ लेकिन अभी तक ये वापस नहीं आती है इस पेंटिंग के अंदर आपको प्री का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि इस को किस तरीके से क्या यूज किया गया 1798 उनकी उन्होंने काफी बड़े पढ़े लिखे थे, लाज थे सरस्वती महल लाइब्रेरी थर के अंदर उन्हें बड़ी लाइब्रेरी बना दी विच इवन अ नियर अबाउट नियर अबाउट आप कभी जाएंगे तो फोर्टी थाउजेंड रेयर मैनोस्क्रिप्ट और पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली उसमें से एक पेंटिंग चोरी हो जाती है तो भाई अगर आप एक राजा है जिन्होंने इतना काम किया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी हमारे पास रेयर सोर्सेज हैं ऐसे और इस तरीके की चीज़ें वैसे भी आ, एक ऐसी कंट्री जिसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स्ड है यूनिफाइड है आ, उन चीज़ों में से अगर कुछ चोरी हो जाता है मैंने तभी कहा कि ये पीछे जो हिस्ट्री है कि किसने चुराया वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आ, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ये पेंटिंग किसी तरह की इंडिया में वापस लाई जाए और फिर से इसका जो है वहीं पे रखी जाए जहाँ से ये बिलोंग करती है अब मैं सवाल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है कि बेसिकली ये पेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है तंजूर पेंटिंग के बारे में आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ क्योंकि कहानी आपको नहीं पढ़नी है प्री का क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि तंजोर पेंटिंग किस चीज के लिए इसको दूसरा नाम थंजोवर पेंटिंग भी कहा जाता है ज्यादातर ये पेंटिंग जो है रिलीजियस पेंटिंग है विद रॉयल हेरिटेज पहला पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बन सकता है और दीज पेंटिंग मेनली डिमॉन्स्ट्रेट अगर आप इन पेंटिंग्स की बात करेंगे क्योंकि एक डायनेस्टी है तो इस डायनेस्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस डायनेस्टी ने जो सबसे ज्यादा पेंटिंग की है तो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को सबसे ज्यादा दिखाया गया है पोज uh, जो हैं अलग अलग दिए गए डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ गिवन ब्लो और वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टीज ऑफ द तंजोर पेंटिंग फर्स्ट दे मेनली यूज ए वैपरेंट कलर स्कीम मेरे लिए देखिए मैं आपको तभी कह रहा हूं कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जो हमें यूपीएससी पूछेगा इस्तेमाल करते हैं इसके साथ अगर आप देखेंगे, तो बहुत ही ज्वेलरी का यूज किया जाता है गोल्ड लीव वर्क किया जाता है ये है वो जो आपको वो पूछेगा वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि आ, शायद में भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर में ही ना पढ़े लेकिन यहाँ पे अगर आप प्री का क्वेश्चन देखेंगे तो डेफिनेटली आपसे ये पूछा जाएगा एन आई एम वेरी मच श्योर की ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पी के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आप कहानी में नहीं जाएंगे किसने चोरी किया क्या है यहाँ पे आप अब फोकस करेंगे अच्छा तंजोर पेंटिंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये ऑरिजन इसका जो हुआ है वो तंजोर में हुआ है अबाउट थ्री हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई एंड दिस फॉर्म ऑफ आर्ट डेवलप एट दाइट ऑफ द कल्चरल मोवमेंट ज्यूरिंग द रूलर ऑफ चोलांपाय है लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप चेक करेंगे तो क्योंकि ये जो पेंटिंग के बारे में वो डिस्कस की क्योंकि इंटायरली आपको ये पेंटिंग ये जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बड़ी और इम्पोर्टेंट हो जाएगी वो ये है कि सर आ, क्या हम लोगों के लिए आ, सर फौजी का कोई इंपॉर्टेंस है क्या उन्होंने मतलब तो आप लोग मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने मराठा Uh, के बारे में अगर आप पढ़ेंगे सो so, सर बोजी सेकेंड बोसले वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द भोसले डायनेस्टी ऑफ मराठा जो उन्होंने उस समय एक सेटअप किया गया था लेकिन आ, इनको बहुत सारे इनके टाइटल्स भी थे आ, ये भोंसले खलान से बिलोंग करते थे और आ, माना यह जाता है कि उन्होंने 1798 टू 1832 तक एक बहुत अच्छा वेल स्टेब्लिश एरिया डेवलप किया था वहाँ पे Uh, उनने फर्स्ट जब आप देखेंगे तो ब्रिटिश के टाइम पे भी उनको बहुत बार क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम वो रूल कर रहे थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनका किंगडम जो था ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था उनको बाद में पेंशन दी जाती थी यानी कि वो पूरी तरीके से रूल भी नहीं कर पाए वो कहा जाता है कि सरफोजी वॉज वेरी ओपन माइंडेड एंड अ वेरी टॉलरेंट किंग ही लिबरली फंडेड टू चर्च मतलब जब ये थे तो उस समय जो अंग्रेजों के चर्च होते थे स्कूल थे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल थे उन्होंने बहुत ही एक सेक्युलरिज्म का एक बड़ा अच्छा दिया है और उनकी लेगेसी के ऊपर देखेंगे तो इन द हिस्ट्री ऑफ प्री विक्टोरियन इनका नाम आ, आपको पहले देखने को मिलेगा ही वॉज अ ग्रेट सर्वेंट ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम आप अगर आप पढ़ेंगे तो ये तंजूर का जो एरिया है मोस्ट डेवलप्ड प्रिंसी स्टेट था पूरी इंडिया के अंदर सब से सबसे डेवलप था वो इन्होंने बनाया था और प्रोस्पेरिटी थी साइंटिफिक नॉलेज इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुई आ, इवन आ, अगर आप पढ़ेंगे तो आ, जब आ, बिशप इनके यहाँ पे आते हैं बड़े इंग्लिश के बहुत बड़े माहिर एक हिस्टोरियन है वो कहते हैं आई हैव सीन नंबर्स ऑफ क्राउनेड हेड बट नो वन हैज डिपार्टमेंट वॉज प्रिंसली स्टेट लाइक सरफोजी यानी कि मैंने सब देखे लेकिन इन जैसा बंदा कोई नहीं देखा वेरी ऑल दो ही वॉज एन अ वेरी इनलाइटेड वेरी एजुकेटेड पर्सन एंड वेल नॉलेज अबाउट द इंग्लिश एंड द संस्कृत एंड कन वेरी वेरी इजियर एंड है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिटरेचर बो तामिल इंग्लिश और बहुत सारे लोग जब इनकी डेथ हुई तो अंग्रेजों की तरफ से इनके पास आए सो so, कम्प्लीटली अगर आप मीनिंग समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक बहुत ही ग्रेट किंग रहे हैं एक अपने टाइम में इन्होंने बहुत बहुत कुछ किया अब सवाल यहाँ पे उनकी लेगेसी के बारे में तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि आप डेफिनेटली जब हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी कहीं से भी आपको सवाल उठा के पूछेगा मैं बेसिकली चेक करता रहता हूँ मैं अब बच्चों को ये कहता हूँ कि देखिए आपको जहाँ से प्री का क्वेश्चन निकलेगा ना वहाँ पे आपको फोकस देना है सवाल यहाँ से बनेगा ये याद रखिएगा हो सकता है मे बी क्योंकि अब उनका नाम भी है तो पूछा जा सकता है कि उनकी अः इनके बारे में आप क्या जानते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इनका बैकग्राउंड बताना है कि एक बहुत अच्छे इनके ब्रिटिश के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन थे क्योंकि लास्टली इन्होंने फिर उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था सेक्युलर uh, थे इनके टाइम पे क्रिश्चियंस स्कूल्स भी बहुत सारे बने एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छे थे इनके पास मतलब पढ़े लिखे थे इनलाइटेड बहुत ज़्यादा थे सवाल ये है कि क्या ये uh, जो पेंटिंग है ये वापस आएगी या नहीं आएगी इस पर भी अभी एक सवाल बना पड़ा हुआ है और क्योंकि बहुत पुराना एक uh, uh, मसला पड़ा हुआ है सो so, होपफुली हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर हैं अभी तक वापस नहीं लाई गई और ना ही इनके टाइम पे अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था अच्छा इनके समय में इन्होंने एक इनका एक बड़ा फेमस था कि इंटेलिजेंट लोगों की एडवाइजरी बनाई थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने उन्हीं लोगों को ऐड किया जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे इन्होंने अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को फाइव डिवाइडेड डिस्ट्रिक्स रखे थे और एक वेल जुडिशरी सिस्टम भी इनके अंडर था और आल्सो इन्होंने रेस्ट हाउस बनाए थे जो पिलिग्रम्स होते थे उनके लिए भी बनाए थे उनके लिए फ्री खाना पीना भी रखा था और इम्पॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो आज भी उनका सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी वॉज़ फाउंडेड प्लेस लाइब्रेरी और uh, एक uh, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंडिया की हिस्ट्री में कभी कोई एजुकेशनल uh, रिफॉर्मर की बात करेंगे इनकी एजुकेशन के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे इन्होंने सरफोजी फाउंडेड ए स्कूल कॉल्ड नव्य विद्या uh, कलांदी साला लैंग्वेज लिटरेचर साइंस आर्ट क्राफ्ट एयर टॉट वेदास को पढ़ाया जाता था शास्त्रास को पढ़ाया जाता था uh, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जो ईस्ट की एजुकेशन है उसको भी ईस्ट और वेस्ट को किसी तरीके से इकट्ठा पढ़ाया जाए ताकि लोगों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज आए और uh, इनके द्वारा अगर आप याद करिएगा तो ऑल्सो क्रेडिट विदिंग ए हैंड प्रेस इन्होंने इंडिया में इंस्टॉल की थी विद देवनागरी टाइप इन एटीन हंड्रेड एंड फाइव एट दर्ट ऑफ साउथ इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था ही ऑल्सो एस्टेब्लिश टाइप प्रेस कॉल्ड नव्य विद्या कलहंदी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्ट करते हैं टेन वाटर टैंक इन्होंने बनाए भारत के लिए नंबर ऑफ वेल्थ लोगों के लिए फ्री जो भी पानी पिए ड्रेनेज सिस्टम इनके टाइम पे बना मेडिसिन के तौर पे देखें तो बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट की गई और एस्टेब्लिशमेंट दे धनवंतरी कहा जाता था महल यानी कि यहाँ पे आपके हर्बल जो इंडिजीनियस मेडिसिन थे उनको यूज किया जाता था और गरीब लोगों के लिए मेडिसिन बनाई जाती थी एंड बिकम फेमस फिजिशियंस मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदा हो गया या बाकी यूनानी जो है और सीधा स्कूल बनाया गया सीधा मेडिकल को कहा जाता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां उस समय इंडिया में थी और 18 वॉल्यूम रिसर्च की गई कि हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं और इम्पोर्टेंट हर्ब्स वगैरह के बारे में भी स्टडी की जाती थी सो बेसिकल बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल के टाइम आप ये कह सकते हैं इन जैसा काम किसी ने नहीं किया अब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है मेरे भाई तो इनकी पेंडिंग चोरी होना ना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अभी भी कोशिश की जाती है इनके नाम से जोलॉजिकल गार्डन भी बनाया जाता है सरफोजी क्रिएटेड ए फर्स्ट जोलॉजिकल गार्डन इन तमिलनाडु अब मुझे बताइए गार्डन इन्होंने बना दिए मेडिसिन इन्होंने बना दिए शिपिंग इनके नाम शिपिंग स्टार्ट इन्होंने की इन्होंने आर्ट एंड म्यूज़िक में अगर आपको याद होगा डांस म्यूज़िक एंड ही ऑथर फेमस वर्क लाइक कुमर संबा आई होपली जिन बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हिस्ट्री है क्योंकि इतने आपकी उसमें नहीं है तो काइंडली आप इस यूट्यूब के नीचे लिंक डाल सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आप हमारे नंबर पर कॉल करके इस पूरे इंटायर जो मैं अभी बता रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो आप इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे हैं हम लोगों को यह हम सबको मिलनी चाहिए तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं और आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं सुहेल तुर्की की क्लास और उसका जो सारा जो मेरे पास मटेरियल है एंड एज आई एम यूजिंग ए डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स उसके बाद सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने थनजोवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी स्टार्ट कर ली थी उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है इन्होंने ज्यादा कार्नेटिक म्यूजिक का इस्तेमाल किया और मोस्ट uh, इंपॉर्टेंट सर इनके टाइम पे अगर आप देखेंगे तो थोअर के अंदर टावर जो है उसको भी इन्होंने रिनोवेट किया था यानी आप ये कह सकते हैं कि सर ग्रेट uh,

और रीकंस्ट्रक्ट किया था एक बृदेश्वरा टेम्पल अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग न्यू वंस वाज आल्सो बीन अ ग्रेट मेंबर ऑफ रॉयल एसेटिक सोसाइटी के मेंबर भी रह चुके हैं मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को ये टॉपिक पसंद आया होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आपके बुक के सॉरी करंट अफेयर के हिसाब से तो इतनी न्यूज़ थी लेकिन मैंने एड ऑन कर दिया तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थंजोअर जो है बेसिकली एक मराठा किंगडम है रूल बाय बौसले डायनेस्टी और इसका तमिलनाडु बिटवीन सेवनटीन टू नाइनटीन सेंचुरी इनकी नेटिव लैंग्वेज अगर देखेंगे मराठी है वंकोजी वाज़ अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी उसके बाद एक लंबी डायनेस्टी लिंक चलती है और उसके बाद इसमें से सरफोजी भी आते हैं और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम इंडिया की हिस्ट्री के लिए किए हैं वो पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इनकी पूरी हिस्ट्री की बायोग्राफी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ डू कॉल ऑन दिस नंबर जो आपको नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आ, आ, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो यूपीएससी को इंपॉर्टेंटली आपके लिए ज़रूरत है आ, मुझे बड़ा श्योर हूं मैं कि इसमें से यूपीएससी प्री का क्वेश्चन निकल सकता है मेन्स का भी क्वेश्चन निकल सकता है थैंक यू सो मच प्लीज़ डू मेंशन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आज आप कुछ नया के गए होंगे uh, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक पूरी क्लास आपको मिलनी चाहिए इनका पूरा uh, हम लोग स्ट्रक्चर uh, के हिसाब से पढ़ें तो काइंडली यू कैन जॉइन अस और uh, जहाँ पे हम लोग करेंट अफेयर की क्लासेस भी लेते हैं सिंपल वे में आपको पहले ग्रुप ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको मेरी क्लासेस मिलेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा जी फाउंडेशन और एन के बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं सो टू हाइफ आप वहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टे सेफ एंड स्टेबले बाय